नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सारा विलियम और मैं आपको अपने प्रोग्राम सदाई ख़वातीन में खुश आमदीद कहती हूं। और आज की हमारी मेहमान, उनका नाम है सुनोमी शारून और वो ऑनलाइन बिजनेस रन करती हैं जिनका नाम है एमनेट कलेक्शन। और हम जानते हैं आज के उन्होंने अपने बिजनेस में क्या क्या मुश्किलात का सामना किया और उन्होंने किस तरह ये सारी अचीवमेंट हासिल की। आइए हम अपने मेहमान को खुश आमदीद कहते हैं। वेलकम, मैं आपको अपने प्रोग्राम पर खुश आमदीद कहती हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप जब एक साल पहले भी आए थे और अब आज फिर आप हमारे साथ हैं और अपनी अचीवमेंट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए, अपने स्पेशली जो अब आपने न्यू अराइवल्स आपने इन साल में इंट्रोड्यूस कराई, आप प्लीज़ उसके बारे में ज़रूर हमसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ नेशनल न्यूज़ टीवी की और स्पेशली सारा और सदाए ख़वातीन इस प्रोग्राम की, जो आप लोगों ने मुझे यहाँ इनवाइट किया और मैं दोबारा यहाँ आने के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं बड़ा ही थैंक्स करती हूँ कि आप लोगों ने इसका मौका दिया ताकि हम क्रिश्चियन कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दे सकें। थैंक यू मच आपका। अब मैं आपसे थोड़ा सा आपके बिज़नेस के बारे में जानना चाहूँगी। स्पेशली मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आपने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था तो आपने कितने पैसों में ये स्टार्ट किया था और आपका फीडबैक कैसा रहा इसको लेकर? मैंने ये 2020 में स्टार्ट किया था बिज़नेस और मुझे स्टार्ट करते मेरे पास सीड मनी बहुत कम था कि बंदा कहता है कि बिज़नेस करने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है, लेकिन मैं कहती हूँ आपको विज़न की ज़रूरत है, आपका एम ज़रूरी है कि आप उसमें एम क्या बनाते हैं। कि हमारा एम यह है कि मुझे ये टारगेट करना है कि हाँ ये मेरा बिज़नेस है, ये मेरा बिज़नेस प्लान है। आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो उस पैसे की सेविंग है उससे आप बिज़नेस अपग्रेड करते जाते हैं, लेकिन आपको सीड मनी के लिए मिनिमम, मैंने जब बिज़नेस स्टार्ट किया था तो मैंने बिल्कुल 2000 रुपीज़ से फर्स्ट ऑर्डर मैंने स्टार्ट किया था। बहुत बड़ी एफर्ट है आपकी। ये जो ऑनलाइन बिज़नेस करने का, ये आपको मतलब ख्याल कैसे आया कि ये ऑनलाइन बिज़नेस ही आपने क्यों इसको ही क्यों चूज़ किया? पहले हमारा टारगेट था कि फिज़िकल स्टोर होना चाहिए। फिज़िकल स्टोर जब प्लान हो रहा था तो उसी दौरान जो कोविड के डेज़ आ गए उसमें हमें बड़ा ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा कि आपको बाज़ार नहीं जाना, या बहुत सारी मुश्किलात हम सब ने फेस की जी। उसमें मैंने ये टारगेट बनाया कि क्यों हम ऑनलाइन चीज़ें जिस तरह ख़रीद रहे हैं, हम कपड़े क्यों नहीं ख़रीद सकते, ताकि एक ख़वातीन की, एक मर्दों की डिमांड है, चाहे मर्द बहुत देर से बनाएं और औरतें हर महीने कोई ना कोई सूट बनाएं, लेकिन उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनको अवेलेबिलिटी मिलनी चाहिए, घर बैठे ये फैसिलिटी होनी चाहिए। और ट्रस्ट बिल्ड करना मेरा वो था कि ऑनलाइन बिज़नेस ने कोविड के डेज़ के बाद आपका बहुत ज़्यादा फ्रॉड अलर्ट होना शुरू हो गया था कि लोग आपके पैसे ले लेते थे, चीज़ें फेक सेंड करते थे और अपने कॉन्टैक्ट्स बंद कर देते थे। मैं अपने बिज़नेस को जो है वो रिटर्न बेस पे पॉलिसी पे वो करती हूँ कि आपको सेम एज पिक्चर अगर नहीं मिला तो आप रिटर्न कर सकते हैं, आपका ये जो है वो फेक या फ्रॉड की लिस्ट में नहीं आता। ये तो आपका बहुत ज़बरदस्त आइडिया है क्योंकि देखिए ज़्यादातर ये होता है कि फ्रॉड होता है और फ्रॉड जाहिर सी बात है ऑनलाइन है, हम उस वक्त क्लेम भी नहीं कर सकते, क्लेम करने की पॉलिसी बाद में मुश्किल होती हैं। तो आप नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी काम करते हैं, आप कस्टमाइज भी करते हैं, तो आपका इसके बारे में आप कुछ हमारे से शेयरिंग करेंगे? हाँ जी बिल्कुल। इसमें मुझे नेशनली तौर पे तो बहुत कम फैसिलिटीज़ के लिए होती हैं क्योंकि आपका जो नेशनली है आपके फेक पेजेस बहुत ज़्यादा रन हैं जिसमें आपके फेसबुक बहुत ज़्यादा है, आपकी पिक्चर्स लीक करके आपको वो फेक अकाउंट्स के साथ लोगों को ज़रा ट्रस्ट ख़राब किया हुआ है। अदरवाइज़ जो नेशनल बेस पे अगर हम काम करें तो बहुत ज़्यादा आप इसे कमा सकते हैं। उसके बाद जब आप इंटरनेशनल बेस पे आते हैं तो ये बहुत ज़्यादा आपको अपने ट्रस्ट को बिल्ड करना पड़ता है कि आपका जो है बाहर बैठे लोगों को ये ट्रस्ट होना चाहिए कि जो आप दिखा रहे हैं उस प्रोडक्ट की पूरी डिटेल होनी चाहिए, उसकी एक एक चीज़ आपने मेंशन की हो। मैं प्राइस के साथ फैब्रिक की डिटेल, प्राइस डिटेल और मटेरियल डिटेल लाजमी सेंड करती हूँ ताकि अगले बंदे को पिक्चर से ही अंदाज़ा हो जाए कि इस पिक्चर पे काम क्या हुआ है, क्लैरिटी बहुत है उस पर, पिक्चर से ही वो ऑर्डर देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आपको पता है कि आजकल कैसा सिस्टम है,
कि समटाइम चीजें आपको कुछ और दिखाते हैं और भेजते हैं आपको कुछ और, ऐसे ही। लेकिन थैंक्स गॉड कि आपका एक अच्छा इसमें एटीट्यूड है अकॉर्डिंग, कस्टमर्स भी तो सेटिस्फाई होना चाहिए ना। बिल्कुल। तो जब आप सेटिस्फाई होते हैं तो फिर आप आपके कंटिन्यू उसमें आपके जो कस्टमर है ना वो बनते जाते हैं, एक के बाद एक लोग माउथ रेफर। बिल्कुल। आप ट्रस्ट बिल्ड करते हैं तो आपका रिपीट क्लाइंट आता है, अगर आप ट्रस्ट बिल्ड नहीं करते हैं तो आपको फिर एक टाइम ऑर्डर कोई देगा फिर अगली दफा नहीं देगा कि ये तो फेक है और ये गलत चीज देते हैं, तो वो उससे बेहतर है कि आप उनका एतमाद जीतें। तो ये जो हमारी मतलब मैं जानती हूँ आपके बारे में कि जो हमारी डिजर्विंग फैमिलीज होती हैं स्पेशली ग्रूम के लिए और ब्राइड के लिए, तो उसमें आप उन्हें क्या डिस्काउंट देते हैं? उसमें मैं ये देती हूँ कि जो बहुत ज़्यादा डिजर्विंग फैमिलीज हैं तो हमसे जो कुछ हो सकता है, जो मुझे खुदा उन तौफीक देता है, हम वहाँ तक उनकी हेल्प करते हैं। तो उसमें यह है कि प्लीज़ मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल मैंशन है, आप मुझे प्लीज़ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपका कोई इशू है। लेकिन यह है कि हम उसमें पूरी तसल्ली करके ताकि कोई फेक तरीके से ना हो, ठीक है, तो हम उसको देते हैं हेल्प। और जहाँ तक डिस्काउंट की बात है तो जो डिजर्विंग फैमिलीज होती हैं मार्केट से 50% रेट पे उनको मेरे से चीज़ें मिलेंगी। और मैं लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगी कि आप हमारी खवातीन को जो स्पेशली घर में बैठी हैं और वो कोई ना कोई काम करना चाहती हैं तो उन्हें ऑनलाइन वर्क करने के लिए आप क्या टिप्स देंगी, या कोई अगर आपके पास कोई स्पेशल ऑफर है कि जो जिसके ज़रिए वो घर में बैठ के ऑनलाइन वर्क कर सकें? मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान की 52% जो हैं वो लेडीज़ हैं। हम बाकी मुल्कों की तरह भी तरक्की याफ्ता हो सकते हैं क्योंकि हमारी सिर्फ 17% या 14% लेडीज़ वर्किंग है। अगर हम चाहें अपने मुल्क को तरक्की देना तो हमें सारी औरतों को काम करना चाहिए। आज के दौर में हर कोई एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहा है, हम इसी एंड्रॉयड फ़ोन को अपना बिजनेस बना सकते हैं ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ। मैं ये ऑफ़र करती हूँ कि सिर्फ आप अपना फ़ोन यूज़ करें, अपने कॉन्टैक्ट्स यूज़ करें, मेरे से आके कॉन्टैक्ट करें, अपने मैं उनको पिक्चर्स शेयर करूँगी, आगे फर्दर जो है वो मैं उनको कॉल पर बता सकती हूँ। पिक्चर्स लगाएँ, अपना प्रॉफिट रखें, अपने ट्रस्ट को बिल्ड करें और उसको कारोबार को स्टार्ट करें। आगे जैसे खुदा बेहतर करे तो अगर उनका ज़्यादा ऑर्डर्स आ जाते हैं तो वो बल्क में बाय कर सकते हैं, होलसेल रेट पे उनको चीज़ें मिल जाएंगी ताकि वो अपना बिजनेस बढ़ा सकें। थैंक यू हमारे प्रोग्राम पे आने का, और स्पेशली जो आपने अपनी शेयरिंग की है और स्पेशली जो आपने हमारी खवातीन को ऑफ़र की है उसके लिए थैंक यू मच। और खुदावंद आपको इससे भी ज़्यादा ब्लेस करे और अपने काम में इससे भी ज़्यादा तरक्की दे। और बहुत खुशी होती है जब अपनी हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी की फ़ीमेल्स इस तरह आगे बढ़ती हैं, ग्रो करती हैं, और हमारी कम्युनिटी के लिए आप लोग एक असासा हैं। और थैंक्स कि आपने अपना कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू मच। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आपने मैम सुरभि की बातें सुनी और उनके बिजनेस के बारे में जाना, और जिस तरह उन्होंने आपको बताया कि खवातीन उनके साथ मिलकर काम कर सकती हैं, तो आप ज़रूर उन्हें ज्वाइन करें। और हमारा प्रोग्राम सदाए खवातीन, हम फिर दोबारा किसी नए गेस्ट को इसी तरह आपकी खिदमत में लाएंगे जिनके वसीले आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले और आगे बढ़ने की आपको हिम्मत ताकत मिले। और इस वक्त मुझे सारा विलियम को और मेरे कैमरामैन तारिक प्यारा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।